What's up guys, this is Guru Maan. आज हम Guru Maan Fitness के ऊपर बात करेंगे साग के बारे में. Yes, साग जो कि North Indian साइड का बहुत ही पॉपुलर मील है, डिश है, specially विंटर के दौरान. ऑलमोस्ट नवंबर से लेकर मार्च तक इसका इस्तेमाल होता है और बहुत सारे ढाबे के अंदर साग एज अ मेन्यू के अंदर होता है, डिनर और लंच के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट के अंदर होता है. और पालक साग का भी इस्तेमाल जो ऑलमोस्ट सारा साल इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे साथ में. वो ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर है और इंडिया की हर सिटी और स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट पालक का भी अवेलेबिलिटी है, जो पालक मिलती है, थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं. साग कैसे बनता है, यहां पर मैं आपको थोड़ी न्यूट्रिशन की डेप्थ में जाएंगे, देखेंगे कि क्या साग आपके लिए ठीक है, खराब है, कितना खा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. आपके गोल्स के दौरान किस तरह से साग को ऐड करें, एक डीप इंफॉर्मेशन आपके लिए. देखो साग कैसे बनता है, सभी को मालूम है साग जो हमारे मस्टर्ड लीव्स होते हैं, सरसों का साग सरसों के पत्तों से बनता है और वो पत्ते अलग होते हैं, पत्ते थोड़े कड़वे होते हैं. जैसे पालक के पत्ते जो होते हैं वो थोड़े स्वीट में होते हैं, डिफरेंट. पालक का पत्ता कड़वा नहीं होता लेकिन साग का पत्ता जो सरसों का वो कड़वा होता है. सो मस्टर्ड लीव से, मस्टर्ड लीव को तोड़ने के बाद, उसको धोने के बाद, उसको बाद चॉप करते हैं. चॉप करने के बाद उसको कुकर या पतीले के अंदर ऐड कर पानी डालते हैं, उसके बाद उसको बॉयल करते हैं. जितना भी टाइम लगता है बॉयल करने के बाद वो साग जो है वो ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, ऑलमोस्ट यू नो उसकी पेस्ट बन जाती है बेसिकली लिक्विड होने से. अब वो प्रोसेस के बाद फर्दर प्रोसेस क्या है वो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, वो भी बात कर ही लेते हैं. बाय द वे जब वो बन जाता है उसके बाद एक साइड में पतीले में या पैन पे या कढ़ाई पर तड़का लगाया जाता है, तेल डालते हैं, उसके अदरक डालते हैं, लहसुन डालते हैं, अनियन डालते हैं, टमेटो डालते हैं और मसालों का इस्तेमाल करते हैं. उसको बनाने के बाद साग में ऐड करते हैं या साग को उस पैन में ऐड कर दो, इधर वे सेम थिंग. वो जब सारा मिक्स होता है तब वो साग रेडी है. उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है वो बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप. जब साग को आपने चॉप किया, धोया, कुकर में डाला, पानी डाला, वो जो साग उस समय बना है उसके बारे में बात करते हैं. मस्टर्ड लीव्स, एक कप साग की अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो एक कप साग के अंदर 1 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम प्रोटीन, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट ऑलमोस्ट 0.2 ग्राम, बहुत ही कम ग्राम है. लेकिन एक कप कुछ भी नहीं है क्योंकि एक कप जब वो पत्तों को आप बॉयल करते हैं तो वो इतना रह जाता है, बहुत थोड़ा. सो ऑलमोस्ट 4 कप रॉ लीव्स को जब आप बनाएंगे तो 1 कप खाने के लिए बनेगा. यू अंडरस्टैंड दैट, श्रिंक हो जाता है, यू नो दैट कि वो जो पत्ते हैं उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है और इतना ज्यादा पत्ते इतना सा रह जाता है. तो दिस इज 1 सर्विंग साइज. इसका मतलब है एक साग की सर्विंग के अंदर 4 रॉ जो कप लीव्स का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर 4 ग्राम प्रोटीन है, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, 1 ग्राम फैट है एंड ऑलमोस्ट 60 कैलोरीज है. इट्स वेरी लो कैलोरीज और कार्ब 10 है जिसके अंदर फाइबर 6 है, तो हाई फाइबर. प्रोटीन नॉट बैड 4 ग्राम, फैट 1 ग्राम, वेरी गुड न्यूट्रिशन वैल्यू. अब साग खाने के आपको फायदे बहुत ज्यादा है. बाय द वे इट्स साग इज हाई इन एंटीऑक्सीडेंट. आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेंट बनते हैं किसी स्ट्रेस से, जो भी मसल स्ट्रेस हो सकता है, दैट कुड बी यू नो धुएं से, पोल्यूशन से, लिकर से, बॉलो ड्रिंक करते हैं, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं, जो ऑक्सीडेंट्स बनते हैं, जो आपके सिस्टम को खराब करते हैं, आपके सेल को डैमेज करते हैं, उसको प्रिवेंट करता है. सो डेफिनेटली इट्स एंटीऑक्सीडेंट, सो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेंट जो बाहर से बॉडी के अंदर हिट होते हैं. सो इट्स अ गुड, बाय द वे इट्स डेफिनेटली गुड बेनिफिट. जो ग्रीन लीव्स है, मस्टर्ड लीव्स, ग्रीन लीव्स का फायदा, इट्स हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, इट्स हाई इन फाइबर. अभी आपने देखा है कि ऑलमोस्ट 6 ग्राम फाइबर है ऑलमोस्ट 4 कप रॉ के अंदर. So high in fiber means good digestion, bowel movement banegi, and you need fiber in every single meal, at least 4 to 5 grams. So getting 6 grams is definitely thumbs up.
साग आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डेफिनेटली यू हैव अ बिग बेनिफिट। साग डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर ब्लड एंड लिवर। अगर आपका लिवर हेल्दी नहीं है, बहुत मेडिकेशन के ऊपर है, बहुत ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं आप, बहुत लिकर का इस्तेमाल करते हैं, देन साग के अंदर जो ग्रीन मस्टर्ड लीव्स के अंदर न्यूट्रन प्रेजेंट है, दैट हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई योर ब्लड एंड लिवर। आपके ब्लड को भी डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा, इट्स अ ग्रेट डिटॉक्सिफिकेशन। सो इट्स हाई फाइबर डिटॉक्सिफिकेशन, एंटीऑक्सिडेंट फूड, टन्स ऑफ बेनिफिट। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब साग का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? मैंने भी बोला था, साग कुकर में बनाने के बाद एक अलग बर्तन के अंदर, कढ़ाई या पतीला या पैन के ऊपर तड़का लगाते हैं। वहां पर क्या होता है, एक चम्मच ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं तो घर के साग की बात कर रहा हूं, और ये ऑयल हो सकता है मस्टर्ड ऑयल, हो सकता है देसी घी, हो सकता है, इट्स ऑल डिपेंड होता है, कहां डिपेंड करता है कौन क्या क्या यूज करता है, लेकिन मैं ऑयल मैंने लिखा हुआ है, इट्स ओपन। अभी हम बात नहीं करेंगे ऑयल हेल्दी है या अनहेल्दी है, वो अलग बात है, वो आपको मालूम है कि आप किसी ढाबे से खा रहे हैं तो किस तरह का ऑयल होगा, वो आपने बाद में देखना है। एक स्पून ऑयल के अंदर 140 कैलोरीज होगी, प्रोटीन कार्ब नहीं होती उसके अंदर, ऑलमोस्ट फैट 15 ग्राम है। उसको बनने के बाद आप दोबारा कुकर में ऐड कर रहे हैं, जब आपने तड़का लगाया, तड़का लगाने के बाद जब हम दोबारा न्यूट्रिशन काउंट करेंगे तो क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होगी? सो अगर आप एक कप कुक्ड साग के साथ वन कप ऑयल मिक्स करते हैं बनने के बाद, तो कैलोरीज आपकी बनती है प्रोटीन 4, कार्ब 10 और फैट 16 ग्राम, कैलोरी 200 ग्राम, स्टिल इट्स वेरी गुड एंड डीसेंट मील। ना तो यह ज्यादा हाई कार्ब है, फैट इट्स अ गुड फैट बाय द वे, इज नॉट दैट हाई, नॉट दैट लो बाय द वे। प्रोटीन इज वेरी मॉडरेशन में होती है, जो कि नॉर्मल इंडियन मील्स के अंदर में इतनी ही मिलती है आपको सब्जी के अंदर। यहां तक वन कुक साग की जो बॉल है वो इतनी मिलेगी, यहां तक ऑल गुड। अब दाल बनने के, साग बनने के बाद उसके अंदर एडिशनल हम एक चम्मच या दो चम्मच या डेढ़ चम्मच बटर ऐड करते हैं, चाहे वो बटर देसी घी है, चाहे वो बटर दूध से बनाया आपने, चाहे बाजार का बटर है। जब आप एक ऐड करते हैं चम्मच या दो करते हैं, अगेन मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, हर कोई अलग अलग तरीके से खाता है, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी सिंपल स्मॉल सिनेरियो, वन स्पून विच इज वेरी सिंपल, एक चम्मच हर कोई डालता है। जब एक चम्मच बटर ऐड करेंगे तो आपकी कैलोरीज बढ़कर 340 पहुंच जाएगी, 340, जिसके अंदर फैट आपकी थोड़ी ग्राम फैट होगी एक मील के अंदर, प्रोटीन कार्ब में कोई चेंज नहीं होगी, ऑयल से प्रोटीन कार्ब में कोई चेंज नहीं है। तो एक चम्मच बनने के दौरान ऑयल का इस्तेमाल किया है, एक चम्मच बटर बनने के बाद ऊपर ऐड किया है, इसका मतलब 340 कैलोरी, 30 ग्राम फैट, हाई। यहां तक प्रोसेस बहुत अच्छा है, दिस इज ऑल गुड, इट्स बहुत अच्छे बेनिफिट्स है। ऑयल एसेप्टेबल, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, एसेप्टेबल देसी घी का भी करेंगे अगर एक बार करेंगे दिन के अंदर एक स्पून, सैचुरेटेड फैट्स के अंदर जो है वो आपके लिए हेल्दी है। यू डोंट नीड टू क्रॉस लिमिटेशन, यू कांट यूज लाइक देसी घी 3-5 टाइम्स, उसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, उसके साथ साथ होल फैट मिल्क एंड ऑल मीट, टू मच फैट, यू डोंट वांट रिस्ट्रिक्ट। अगर आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्दी की बात करते हैं, यू गॉट टू वर्क ऑन दोज फैट लेवल एज वेल। अब क्या करते हैं, आपने बोला, आप सोच रहे गुरु भाई आपने रोटी तो ऐड नहीं की, अब ऐड करते हैं, थोड़ा देखते हैं। एक कप कुक्ड साग के अंदर दो रोटी आप खाते हैं, लेट्स ऐड कि हम यहां पर टू रोटीज, आप होल व्हीट रोटी, मैदे की बात नहीं करेंगे, नॉर्मल घर के अंदर चपाती की बात करते हैं। सो अगर मैं यहां पर दो रोटी ऐड कर रहे हैं तो दो रोटी के अंदर ऑलमोस्ट 6 ग्राम प्रोटीन होगा, 44 ग्राम कार्ब होंगे क्योंकि एक के अंदर 22 है, 22, और फैट एक रोटी के अंदर ऑलमोस्ट 1 ग्राम फैट होती है, तो यहां पर 2 ग्राम फैट हुई। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये आपकी कैलोरी बन जाएगी 218 कैलोरीज। तो टोटल क्या हुआ, सो आप यहां पर 10 ग्राम प्रोटीन लेंगे, 54 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होगा, 18 ग्राम्स फैट होगी, और टोटल कैलोरी आपकी कितनी होगी, 2418। एक चम्मच, एक कप कुक्ड साग के साथ दो सादी रोटी, कुछ भी ऑयल नहीं लगाया, ये टॉपिंग ऐड करेंगे तो यहां पर कैलोरीज और बढ़ जाएगी। अगर आप यहां पर एक चम्मच मक्खन का वगैरह ऐड करते हैं, जो मैं अभी नहीं ऐड कर रहा हूं, वो आपके ऊपर छोड़ा हुआ मैंने, तो 54 ग्राम्स कार्ब, नॉट दैट बैड। अगर मसल बिल्डिंग आपका गोल है, पोस्ट वर्कआउट में आप ये मील ले सकते हैं, मतलब पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक के बाद
एक घंटे बाद इस मील को ले सकते हैं। 10 ग्राम प्रोटीन, अगर परसेंटेज की बात करें तो प्रोटीन ऑलमोस्ट 410% प्रोटीन है इसके अंदर। फिफ्टी के पास कार्ब होगी और ऑलमोस्ट जो फैट है वो ऑलमोस्ट 38 बंदा अराउंड 38 1 2 3 90 100। ओके यस, सो ये परसेंटेज हुई। सो इसका मतलब है इस मील के अंदर 52% कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर मैक्रो ब्रेक किया आपने तो 10% कार्ब प्रोटीन है। सो इट्स नॉट अ प्रोटीन रिच मील। आप चाहें थोड़ा दही ऐड कर सकते हैं एक बॉल लो फैट मिल्क का, तो आपकी प्रोटीन रेशियो बढ़ जाएगी लेकिन आपकी कार्ब भी थोड़ी चेंज होगी। लेकिन अगेन इट्स फाइन, मसल बिल्डिंग के अंदर रेशियो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन एक्सेप्टेबल है। वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक ये रेशियो एक्सेप्टेबल है। फैट 18 ग्राम है विच इज अगेन ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको ऐड करोगे तो फैट आपका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा विच इज डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल। सो बेसिकली दिस मील इज गुड, यहां पर आप ले सकते हैं। मैं यहां पर बटर टॉप पे नहीं ऐड करना चाहूंगा लेकिन हफ्ते में एक बार खाएंगे, कंसिडर एज अ चीट मील। अगर आप इसी को चीट बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर मक्खन 1-2 चम्मच ऐड कर लो, चीट हो जाएगा क्योंकि फैट कैलोरीज विल रेज अप, प्रोटीन नंबर और ड्रॉप हो जाएगा आपका बाय द वे। तो 10% इज नॉट दैट गुड, लेकिन आप ओवरऑल बाकी मील्स में थोड़ा शफल कर बैलेंस कर सकते हैं इफ नीडेड। अगर आप सोच रहे हैं हमें सरसों का मस्टर्ड लीफ नहीं मिलते तो हम पालक का इस्तेमाल करते हैं, यस रेस्टोरेंट ढाबे के अंदर पालक मिलती है, चाहे वो यूएसए चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री में पालक का साग भी मिलता है। और उसके बारे में क्या, उसके बारे में थोड़ी क्विकली इसके साथ ही बात कर लेते हैं। ये पत्ते थोड़े कड़वे होते हैं, पालक के पत्ते सॉफ्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, ये काफी बड़े होते हैं पत्ते सरसों के। तो उसके बारे में बात करते हैं, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं, अगर उसको कुक करते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसका क्या वैल्यू रहेगी, क्विकली गो ओवर। सो अगर मैं यहां पर स्पिनिच लीव्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1 कप के अंदर प्रोटीन 1 ग्राम होता है, कार्ब 1 ग्राम होता है, फैट 0 होता है, तो कैलोरी ऑलमोस्ट जो है वो 8 है। तो अगर 4, अगेन वही बात बनती है, प्रोसेस सेम है, पालक का साग बनाएं या सरसों का साग बनाएं, कुकिंग प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, फ्लेवर में चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं, बनाने में किसी चीज की कोई चेंज नहीं, ना ऑयल में ना नमक, नमक मसाले आपके हाथ में, उसको मैं कैलोरी में ऐड नहीं कर रहा हूं, दैट्स अ सोडियम लेवल विल गो अप, नथिंग एल्स, वही उसमें चेंज होगा। तो 4 कप में प्रोटीन कितना हो जाएगा 4 ग्राम, कार्ब कितना हो जाएगा 4 ग्राम, फैट 0, सो कैलोरी कितनी हो जाएगी 32। सो बेसिकली अगर आप पालक का साग खाते हैं तो 30 कैलोरीज लेस होगी, सारा प्रोसेस सही होगा। पालक के साथ रोटी खाएंगे तो थोड़ी सी आपको कैलोरीज कम मिलेगी बेसिकली, बट प्रोसेस सेम रहेगा। सो गाइस साग अच्छा है, हफ्ते में एक बार खा सकते हैं, मसल बिल्डिंग के दौरान 2 बार खा सकते हैं, फैट लॉस में थोड़ी अवॉइड करें क्योंकि 52% फैट लॉस के दौरान यू कटिंग कार्ब्स, यू लो कार्ब डाइट, दिस नंबर इज डेफिनेटली नॉट गुड। लेकिन फैट लॉस के दौरान 2 हफ्ते के बाद जब कार्ब लोड मील है, हाई कार्ब मील है, यू कैन इंट्रोड्यूस दिस। सो डेफिनेटली आप सारा साल के अंदर 2 महीने में अगर नॉर्थ इंडिया साइड में डिश मिलती है तो उसको आप उसका एंजॉय कर सकते हैं, उसको डेफिनेटली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रिक्ट डाइट पर हैं, अनटिल अनलेस आप बॉडी बिल्डिंग फोटोशूट चल रहा है देन यू डोंट इंट्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ दिस फूड, यू वेरी यू कैलकुलेटिंग कैलोरीज, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रिक्ट गोल नहीं है एंड यू कैन लूज अप लिव जब जरूरत पड़े। सो 2 हफ्ते के बाद एक बार इसको खा सकते हैं ड्यूरिंग फैट लॉस, मसल बिल्डिंग में हफ्ते में 2 बार खा सकते हैं, इट्स डेफिनेटली गुड हेल्दी मील। अगेन डिपेंड करता है कि अगर बाहर से खा रहे हैं तो आपको एक गड़बड़ होगी, ऑयल, वो जो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करेगा वो ढाबे वाला रेस्टोरेंट वाला वो आपके हाथ में नहीं है, वहां पर बहुत बड़ी मेस है, वो आपकी हार्ट के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है, कैलोरी ऐड होगी और तेल कितना घटिया कितनी बैड क्वालिटी का होगा यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, और कितना ज्यादा ऐड करते हैं अगेन यू डोंट नो। सो दैट इज समथिंग इज ऑलवेज हिडन, यू डोंट नो। तो घर के अंदर ज्यादा अब्यूज नहीं करते लोग क्योंकि घर का मामला है, घर की हेल्थ का मामला है, थोड़ा ऑयल का कम इस्तेमाल करें।
देसी घी यहाँ आप ऐड करी कर सकते हैं, क्योंकि दैट्स देसी घी से ज्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। ऑलिव ऑयल आपकी प्रेफरेंस है। टेक केयर गाइस, गुरुमान, ये थी डीप इंफॉर्मेशन साग के ऊपर एंड पालक के ऊपर। टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।